कुछ नहीं पढ़ा है तुमने और जो भी पढ़ते हो उसे भूल जाते हो, तो इस वीडियो के कुछ मिनट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करा के दे रहे होंगे। प्री बोर्ड तुम्हारे कैसे भी जा रहे हो, अगले 15 दिनों में तुम इस तरह से स्टडी कर रहे होगे। पूरा डे वाइज तुम्हारा ये शेड्यूल है। इजी होता तो सभी कर लेते, हार्ड है इसीलिए तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। 80-20 प्रिंसिपल सुना है? तो बेसिकली यार उसमें होता ये है कि स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, वहां से आने के बाद टाइम नहीं मिलता, उसमें भी कैसे सेल्फ स्टडी करे, तो उसके लिए ये टाइम टेबल है। तो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि अगले 15 दिन में हम अपना सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें और कंप्लीट ही नहीं साथ के साथ उसे रिवाइज भी कैसे करना है जिससे कि तुम पीछे की चीजें भूलो ना। तो देखो यार, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ और जो शेड्यूल और स्ट्रेटजी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको तुम्हें एकदम अच्छे से फॉलो करना है। और मेरी गारंटी है अगर तुमने 15 दिन ये काम कर लिया ना तो 15 दिन बाद आकर तुम फिर दोबारा से इस वीडियो पर कमेंट करोगे कि हाँ भैया ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी थी। तो एज ए बड़ा भाई मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इन 15 दिनों के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। छोड़ने से मतलब जहां भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना वहां जाओ भी मत बिल्कुल भी। जो सोशल मीडिया है, तुम्हारे ऐप्स जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें अभी अनइंस्टॉल कर दो। अब तुम्हें अगले 15 दिन के लिए एकदम फोकस मोड में आ जाना है। तो यार सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ये तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तुम्हें एक डेडलाइन बनानी है जो कि तुम्हारी डेडलाइन होने वाली है 15 दिन की, ठीक है? उसके बाद तुम बनाओगे शेड्यूल। अब तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने हिसाब से बना लेते हो तो बना लेना। बाकी आगे वीडियो में मैं तुम्हें शेड्यूल और टाइम टेबल बताने वाला हूँ कि तुम्हें किस तरह से पढ़ना है इन 15 दिनों में, और वो भी सब्जेक्ट वाइज। और थर्ड, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी चीज़ उठाकर पढ़े जा रहे हो डिटेल में, बिल्कुल इस टाइम तुम्हारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तुमने 80-20 रूल तो सुना ही होगा, उसमें तुम्हारे 80% मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे ऐसे ही कि तुम अगर लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा के चले जाते हो, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तुम्हारे 80% क्वेश्चन बनते हैं। तो तुम्हें बस दो चीज़ें ही करनी है, एक तो तुम्हें पढ़नी है NCERT, ठीक, और उसके बाद तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब तुम इन दोनों को कर लेते हो तो तुम समझो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखो तुम्हें पढ़ना क्या है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले यार तुम्हें जाना है YouTube पर, यानी कि यहीं पर तुम्हें जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करो और उन टॉपिक्स को ही कर लो बस जो तुम्हें उन वीडियोज में बताए जाए, और उन टॉपिक्स को लिख के साथ ही साथ उसके नोट्स भी बनाओ। लिखो जरूर, बिकॉज इस टाइम तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। राइटिंग का भी बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, और अगर तुम चाहते हो कि राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें तो कमेंट कर देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा एक डिटेल में। नोट्स बना लेते हो तो उसके बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुम्हें दे रखे हैं मैथ्स और साइंस के, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो इन वाली शॉर्ट्स वीडियोस को देख लेना, ये मैंने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ तक तुम्हारा इतने तीन कामों को करोगे तो तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जब तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर तुम्हें करने हैं सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। और अभी तक तुमने सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं लिया है तो तुम्हें कौन सा लेना चाहिए जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो? तो यार इस टाइम के हिसाब से मुझे जो सबसे बेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगे वो लगे मुझे फिजिक्स वाला के। अब ये सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ही क्यों लेने हैं उसका मैं रीजन तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यार इसमें तुम्हें लेवल वाइज सैजरेशंस के हिसाब से तुम्हें 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो कि तुम्हारे इजी लेवल, हार्ड लेवल और मीडियम लेवल के होंगे, और साथ ही में तुम्हें इसमें पास्ट 5 इयर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर्स का, और साथ ही में तुम्हें इसमें मिल रहे होंगे टॉपिक वाइज चीट शीट, माइंड मैप, जो कि तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भी बात करें तो इसमें तुम्हें मिल रहे होंगे निमोनिक्स, रियल लाइफ एप्लीकेशन और टॉपर आंसर शीट, जिससे कि तुम्हें और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब देखो जैसे कि तुम्हारा रिवीजन थोड़ा, यानी कि चैप्टर थोड़ा हल्का है, रिवीजन तुम्हारा अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसमें तुम्हें QR कोड भी दे रखा होगा, उस पर तुम स्कैन करोगे तो तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी जो कि तुम्हारे टॉप फैकल्टीज ने पढ़ा रखी है फिजिक्स वाला के। तो देख लो यार तुम्हें इन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में कितना कुछ मिल रहा है, और तुमने अभी तक सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं लिया है तो क्या कर रहे हो, जाओ अभी जाके बाय कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर पिंड कमेंट में, बिकॉज तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, डायरेक्ट मेरे लिंक से जाओ और बाय कर लो। अब देखो यार मैंने यहाँ तक तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बता दिया, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं वो बता दिया, अब तुम्हें बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज किस तरह से पढ़ना है तुम्हें। तो तीन सब्जेक्ट की बात इस वीडियो में हम करेंगे, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। तो मैथ्स में तुम्हें किस तरह से पढ़ना है, डे वन पर तुम करोगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, और डे टू पर तुम करोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डे थ्री पर तुम कर रहे होगे पॉलिनोमियल्स,
और डे 4 पर तुम कर रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डे 5 पर ट्रिग्नोमेट्री, डे 6 पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और डे 7 पर तुम प्रोबेबिलिटी करोगे, और डे 8 पर तुम कर रहे होगे ट्राइंगल, डे 9 पर करोगे तुम सर्कल, डे 10 पर करोगे तुम एरिया रिलेटेड टू सर्कल, डे 11 पर तुम करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, डे 12 पर करोगे तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, डे 13 पर तुम करोगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और डे 14 पर तुम कर रहे होगे रियल नंबर, और लास्ट डे जो तुम्हारा बच जाता है उस पर तुम्हें फॉर्मूला शीट बनानी है पूरी कंप्लीट, जितने भी तुम्हारे सारे चैप्टर्स हैं ना उनमें जितने भी फॉर्मूले हैं चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना दो। तो मैथ्स के लिए बस तुम्हें इतना ही करना है, और किस टाइम अब तुम्हें पढ़ना है ये भी मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँगा, ट्यूशन और स्कूल के अलावा तुम्हें किस तरह से टाइम निकालना है, और इन चैप्टर्स को करना कैसे है तो ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने इसमें डिटेल में बता रखा है इन चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहते हो मैथ्स के तो ये वाली वीडियो देख लेना, ये वाली मैंने अपलोड कर रखी है, लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो मैथ्स तुम इस तरह से कंप्लीट करोगे, इसके बाद तुम्हारा आता है साइंस, तो साइंस के लिए तुम्हें किस तरह से शेड्यूल बनाना है उसके लिए तुम्हें डे 1 पर तुम करोगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, डे 2 पर तुम करोगे लाइफ प्रोसेस, डे 3 पर तुम करोगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, डे 4 पर तुम करोगे एसिड बेस एंड साल्ट, डे 5 पर तुम करोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डे 6 पर करोगे तुम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, डे 7 पर तुम करोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डे 8 पर तुम करोगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, डे 9 पर तुम करोगे इलेक्ट्रिसिटी, डे 10 पर तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, डे 11 पर तुम कर रहे होगे हेरिडिटी, डे 12 पर तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और डे 13 पर तुम करोगे अवर एनवायरनमेंट, डे 14 और 15 पर तुम अच्छे से फिर से पूरी साइंस को रिवाइज करोगे। तो साइंस और मैथ्स की बात हम यहाँ पर कर चुके हैं, इसके बाद आता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में यार तुम्हें करना है डे 1 पर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, डे 2 पर तुम करोगे द नेशनलिज्म इन इंडिया, डे 3 पर तुम करोगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, डे 4 पर तुम करोगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, डे 5 पर तुम करने वाले हो पावर शेयरिंग, और डे 6 पर तुम करोगे फेडरलिज्म, डे 7 पर करोगे तुम डेवलपमेंट, और डे 8 पर तुम कर रहे होगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद डे 9 पर तुम करोगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, डे 10th पर तुम कर रहे होगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डे 11th पर तुम करोगे वाटर रिसोर्सेज, डे 12th पर एग्रीकल्चर, डे 13 पर तुम करोगे जेंडर रिलीजन कास्ट, और डे 14 पर तुम करोगे पॉलिटिकल पार्टीज, डे 15 पर तुम करोगे मनी एंड क्रेडिट, और डे 16 पर तुम करोगे द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डे 17 पर तुम कर रहे होगे प्रिंटेड कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, डे 18 पर तुम कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डे 19 पर तुम कर रहे होगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डे 20 पर तुम करोगे लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डे 21 पर तुम्हें करना है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यार 21 डेज में तुम्हारी सोशल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी पूरी इस तरह से। अब जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं तुम्हें टाइम टेबल बताऊंगा, तुम्हें मैंने ये सारी चीज तो बता दी, अब तुम सोचोगे कि भैया ये पढ़ना किस टाइम है, टाइम ही नहीं मिलता। तो यार देखो, तुम्हें मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना है, और मॉर्निंग में तुमसे नहीं उठा जाता तो एक काम करो नाइट में जल्दी सो जाया करो। तो यार तुम्हें मॉर्निंग में उठना है 5 o'clock, अब 30 मिनट में तुम्हें पूरा अपना फ्रेश हो के 5:30 तक तुम्हें पढ़ने के लिए बैठ जाना है, और उसमें तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें पढ़ना है तुम्हें सोशल साइंस। मॉर्निंग में तुम हमेशा सोशल साइंस ही पढ़ोगे अब जब तक तुम्हारे ये 15 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते, तो 7 बजे तक तुम सोशल साइंस पढ़ोगे, उसके बाद तुम स्कूल के लिए रेडी होगे और स्कूल चले जाओगे। अब तुम में से कुछ हो के प्री बोर्ड चल रहे होंगे और कुछ हो के स्कूल की छुट्टी ही होंगी, तो इसमें तुम्हें अपने हिसाब से देख लेना। मैंने एक सिनेरियो लिया है कि हाँ तुम स्कूल जा रहे हो, तो उसके बाद आफ्टरनून में आके आफ्टरनून में तुम 2 बजे आते हो स्कूल से, तो 2 से लेकर 3:30 तक तुम्हें पढ़ना है मैथ। तो आफ्टरनून में तुम इन 15 दिनों तक मैथ्स ही पढ़ोगे। जब आफ्टरनून कंप्लीट हो जाता है तो अब मैं सिनेरियो लेता हूँ कि तुम ट्यूशन जाते हो, अब तुम ट्यूशन चले जाते हो, ट्यूशन जाते हो तुम 4 बजे से लेकर कुछ 7 बजे तक, तो अब तुम्हें रात में बैठना है 8 से लेकर 9:30 बजे तक, तो उसमें तुम्हें साइंस पढ़नी है। तो बेसिकली तुम्हारे पूरे दिन के 4.5 आवर हो जाते हैं, जो कि तुम्हारे सेल्फ स्टडी को बहुत ही तगड़े से बूस्ट करने वाले हैं। तो डेली एक एक चैप्टर करते चले जाओ, एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर सोशल साइंस का, और बच जाते हैं हिंदी इंग्लिश, तो उन्हें तुम स्कूल में पढ़ो बस। और हिंदी इंग्लिश के लिए भी आगे स्ट्रेटजी तुम्हें मिलने वाली है, तो बेफिक्र रहो। और अब ये स्कूल वालों के भरोसे रहना छोड़ दो बिल्कुल, और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो तुम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही तगड़ा फोड़ने वाले हो।
बिकॉज अब मैंने तुम्हें सारी चीज़ें परोस के दे दी हैं, अब तुम्हें बस ये खानी है, मतलब तुम्हें अब पढ़ना है बस। अब और कोई स्ट्रेटजी मत देखो यूट्यूब पर, बस इसे फॉलो करो, कमेंट करो आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज भैया, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कौन कौन मेरे साथ है इन 15 दिनों के लिए, और बाकी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना बताने के लिए। तो बस टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर पढ़ते जाना है बस। बाकी का इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप ट्यूशन ग्रुप में अभी शेयर कर दो और अपने दोस्तों को जरूर भेजो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, जितना तुम दूसरों को दोगे उतना ही तुम्हें उससे दुगना मिलने वाला है। तो बस और कोई प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगे, तो इन वीडियोज़ को भी देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग।